आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सीएम योगी ने की मंत्री और सचिवगणों के साथ समीक्षा बैठक, प्रदेश के समग्र विकास के लिए दिए गए कई दिशा निर्देश। लालू प्रसाद से मिलने दिल्ली पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव, लालू प्रसाद का जाना हालचाल। केशव ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं अखिलेश। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर बोले सब प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव, सरकार ने दलित और पिछड़ों के साथ धोखा किया। लखनऊ में शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हिरासत में लिए गए। मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। औद्योगिक विकास मंत्री और नगर प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी 2 दिन के प्रवास पर कानपुर पहुंचे। आपको बता दें कि मिर्जापुर जिले का दौरा करने के बाद नंद गोपाल गुप्ता नंदी कानपुर पहुंचे थे। यह नंदी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, शहर में जहां विकास कार्य हो रहे हैं उनका औचक निरीक्षण करेंगे, साथ ही जमीनी हकीकत को भी जानेंगे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को लगभग 6 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि 2017 से 2022 में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं ये नारा, यह है उद्देश्य हमारा, इस पर काम किया गया, ये धरातल पर दिखाई दिया, इसीलिए हमारी सरकार को दोबारा प्रचंड बहुमत मिला और सरकार से फिर से बनी और लगभग 1 साल पूरे हो रहे हैं। भारत सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन, जिसके लिए जो योजना बनी है उस व्यक्ति तक पहुँचे, प्रदेश के अंतिम गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुँचे, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिले में प्रभारी मंत्री के रूप में माननीय मंत्रीगण की तैनाती की है। उसी से सिलसिले में मेरा कानपुर और मिर्ज़ापुर है। अभी मैं मिर्ज़ापुर ज़िले में दौरा करके आ रहा हूँ, आज और कल कानपुर रहना है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करनी है, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करनी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और वो कल भी कानपुर के दौरे पर रहेंगे, तो क्या कुछ कार्यक्रम उनके कल निर्धारित किए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस हिसाब से सन 2024 में लोकसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं, इसी तरीके से बीजेपी ने अपनी कमर कस ली और कमर कसने के साथ ही नंद गोपाल नंदी को कानपुर का प्रभारी बनाया गया है। और लगातार कहा जाए तो अगर 2 महीने में लगभग 5 से 6 चक्कर कानपुर में इनके लग चुके हैं और लगातार जमीनी हकीकत देख रहे हैं कि सरकार के एक बार 5 साल पूरे होने के बाद में दोबारा सरकार आएंगे तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और नंद गोपाल नंदी लगातार कानपुर में जनमानस के और आम जन लोगों से संपर्क में है और लगातार औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं, जगह जगह पर जहाँ पे भी इनके काम चल रहे हैं, बीजेपी की जो भी उनका मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो के हिसाब से जो भी मैनिफेस्टो की चीजें बताई गई थी, तो इसलिए नंद कुमार नंदी पूरे कानपुर में जगह जगह घूम कर जमीनी हकीकत देख रहे हैं। उसके बाद अधिकारियों को इसके लिए चेता भी रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना होने पाए और जो भी आम जनमानस के लिए जरूरी हो वो हर एक कदम उठाए जाए। बिल्कुल, धन्यवाद अनिल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर प्रयागराज से है जहां उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी ने एसटीएफ पर बड़ा आरोप लगाया है। बरेली जेल में बंद अशरफ की पत्नी जैनब ने कहा है कि उनके पति और परिवार को जान का खतरा है, एसटीएफ बरेली जेल से बाहर निकालकर उनके पति अशरफ की हत्या कर सकती है। माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब ने कहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में उसके परिवार की कोई भूमिका नहीं है। मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही थी, सद्दाम उसी में लगा था अम्मी की देखभाल करने के लिए, हॉस्पिटल में एडमिट किया था अम्मी को और 4-5 महीने से वहाँ गया भी नहीं बरेली, और उसका बार बार नाम सामने आ रहा है।
क्या मतलब, लग क्यों कौन लोग हैं, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? ये हम नहीं जानते क्या वजह हो सकती है, लेकिन जो मेरे घर वालों का नाम बार बार है वो सही नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, उमेश पाल हत्याकांड में अशरफ की पत्नी ने एसटीएफ पर बेहद ही बड़ा आरोप लगाया है, तो ऐसे में एसटीएफ की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है? जी बिल्कुल मुस्कान, उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी ने यूपी एसटीएफ पर बड़ा आरोप लगाया है। बरेली जेल में बंद अशरफ की पत्नी जैनब ने कहा कि उससे पति और परिवार को जान का खतरा है। यूपी एसटीएफ बरेली जेल से बाहर निकालकर उनके पति अशरफ की हत्या कर सकती है। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में उसके परिवार की कोई भूमिका नहीं है, राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। अतीक के बेटे अशरफ को लेकर अशरफ की पत्नी ने कहा कि वह मौके पर नहीं है। वीडियो फुटेज में जो तस्वीर है वह मेल नहीं खा रही है। बरेली जेल में बंद अशरफ की पत्नी का कहना है कि उसके पति जेल में है, उनके पास ना तो मोबाइल फोन है और ना ही कोई दूसरी सुविधा, ऐसे में उनके पति कैसे उमेश पाल की हत्या की साजिश रह सकते हैं। अशरफ की पत्नी ने साफ तौर पर अतीक अहमद और अपने पति का बचाव किया है। वहीं बरेली जेल में अशरफ और भाई सद्दाम के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर पर उन्होंने कहा कि उसका भाई सद्दाम बेगुनाह है, पुलिस बेवजह उत्पीड़न कर रही है, उसके पूरे परिवार की हत्याकांड में कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर लखनऊ से है, जहां मधुमिता हत्याकांड में अमरमणि त्रिपाठी गोरखपुर की जेल में बंद है। आपको बता दें कि उस उम्र कैद की सजा हुई थी। 19 साल पुराने चर्चित मधुमिता हत्याकांड के आरोपी पूर्व बसपा मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के ऊपर मधुमिता की बहन निधि शुक्ला ने गंभीर आरोप लगाए थे। मधुमिता हत्याकांड में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमती त्रिपाठी को उत्तराखंड के हरिद्वार कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों वर्तमान में गोरखपुर मंडलीय कारागार में सजा काट रहे हैं। अमरमणि को गोरखपुर जेल के मिलेनियम बैरक में जबकि पत्नी को महिला बैरक में रखा गया है। इस मामले में निधि शुक्ला का कहना है कि मधुमिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी को बचाने की कवायद में अधिकारी और कुछ सीनियर नेता जुटे हुए हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में जो मेरे पास सबूत हैं, जो सबूत ये साबित करते हैं कि अमरमणि त्रिपाठी 62% से अधिक जेल से बाहर रहे हैं, जब 62% से अधिक जेल से बाहर रहे हैं, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा जारी रखी थी उस सजा को जब पूरी ही नहीं किया तो सजा माफी की बात कहां से आती है। इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर दी है सारे सबूतों के साथ। जल्दी ही सुनवाई होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तमाम लोगों से हमने उम्मीदें करी, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो उत्तराखंड, जब पूरी नहीं हुई तो हम माननीय अदालत की शरण में चले गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, मधुमणि हत्याकांड में कोर्ट ने तो सजा सुना दी है, लेकिन उसके बावजूद भी सजा के खिलाफ कई लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सजा गलत सुनाई गई है, ऐसा क्यों? जी आपको बता दें कि मधुमता हत्याकांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक कहीं ना कहीं बड़ा हत्याकांड था। इसमें अगर बात की जाए तो उम्र कैद की सजा काट रहे अमरमणि जो कि अमरमणि के पिता हैं, वो गोरखपुर के बीआईडी मेडिकल कॉलेज में कर रहे तमाम जो उनके कृत थे उसके खिलाफ अगर देखा जाए तो पूर्व के जो मंत्री है बात करें तो अमरमणि इस मामले को लेकर सजा काट रहे हैं और लंबे समय से उत्तराखंड जेल से ट्रांसफर होकर गोरखपुर जेल अभी शिफ्ट किए गए हैं। उनके खिलाफ लगातार अगर बात की जाए तो आरटीआई से मांगी गई सूचना से पता चलता है कि 60% का समय मेडिकल कॉलेज में बिता चुके हैं। जी लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने के लिए जो नेता है और जो अधिकारी है वो जुट गए हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो उत्तराखंड जेल से जब उन्हें गोरखपुर जेल शिफ्ट किया गया और गोरखपुर से वो आते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें उनके पुत्र अमरमणि का हाथ बताया गया कि इनको कहीं ना कहीं रियायत दी जा रही है और इन्हें उनके क्षेत्र के जेल में रखा जा रहा है। इसमें अगर बात की जाए तो निधि शुक्ला का कहना है कि मधुमता हत्याकांड के मुख्य आरोपी को बचाने की कवायद में अधिकारी और कुछ सीनियर नेता जुटे हुए हैं और ये आरोप लगाते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने तमाम बिंदुओं को रखा है। देखने वाली बात ये होगी कि जो निधि शुक्ला है मधुमता की बहन, उनके जो तमाम जो आरोप हैं उस पर शासन का क्या रुख रहता है। जी बिल्कुल धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़े स्तर पर ओबीसी मोर्चा द्वारा 19 मार्च को कानपुर के विजय विला में प्रदेश स्तरीय कार्य समिति का आयोजन होने जा रहा है।
इस प्रदेश स्तरीय कार्य समिति कार्यक्रम में केंद्र सरकार और संगठन के लोग शामिल होंगे। वही कार्यक्रम में राजनीतिक प्रस्तावों पर चर्चा होगी। सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास को बल दिया जाएगा। साथ ही कार्यकर्ताओं को उनके कार्यों का दायित्व सौंपा जाएगा, जिससे वो अपने दायित्वों का संचालन बखूबी कर सके। और कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। करेगा 19 मार्च को ये होटल है, क्या नाम बताया था? विजय विला। इस कार्य समिति में उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और संगठन के बहुत वरिष्ठ जनों की उपस्थिति होने वाली है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, हमारे महामंत्री संकट सिंह धर्मपाल जी। खबर अमरोहा से है, जहां जनपद के विद्युत विभाग के अधिगढ़ अभियंता कार्यालय पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा एक दिवसीय कार्य बहिष्कार अधिशासी अभियंता सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर अधिशासी अभियंता सुरेंद्र यादव ने बताया कि पिछले दिनों जो हमारा शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन हुआ था, उसके बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व के अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई थी, जिसमें उन्होंने हमारी मांगों को मान लिया था, लेकिन अभी तक इनका पालन नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमने शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया है और हमारी मांगे नहीं माने जाने पर शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर अगली रणनीति तैयार होगी। 2022 को माननीय ऊर्जा मंत्री की उपस्थिति में, अध्यक्षता में, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार जो अमित अवस्थी जी के उपस्थिति में, हमारे उच्च प्रबंधन और हमारे जो संगठन के नेता हैं उनके साथ में एक लिखित समझौता हुआ था। 14 बिंदुओं पर सहमति बनी थी, ठीक है, उन बिंदुओं को पालन नहीं किया गया। 15 दिन का समय दिया गया था और वो उसीलिए हम लोग फिर दोबारा दरी पे आ गए हैं कि हम लोग उस समझौते का पालन किया जाए जिसपे सहमति बनी थी। 14 पे उसमें निजीकरण नहीं होना चाहिए, संविदा कर्मियों का वेतनमान एक समान होना चाहिए, कहीं किसी संविदा कर्मी को 10,000 मिल रहा है, किसी को 20,000 मिल रहा है, किसी को 12,000 मिल रहा है, और निजीकरण का था, कुछ वेतन विसंगतियां थी, ये 14 ऐसे पॉइंट थे। खबर शाहजहांपुर से है, जहां बुधवार को डीआरएम अजय नंदन ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन के विभिन्न विभागों और ट्रेनों के आवागमन आदि का भी निरीक्षण किया और साथ ही साथ जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। शाहजहांपुर में कुछ नए कार्यों की स्वीकृति हुई, इसमें नया फ्लाईओवर ब्रिज और उसके अलावा स्टेशन बिल्डिंग के उन्नयन का काम, और दूसरी तरफ में मालगोदाम की तरफ में भी नए स्टेशन बिल्डिंग के निर्माण की उसकी योजना बनाई जा रही है, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग उसके खबर मैनपुरी से है, जहां प्रेम संबंधों के चलते वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने टीम गठित कर जांच की तो पता चला कि मृतका की पोती के साथ युवक के प्रेम संबंध थे। आपको बता दें कि मृतका ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके डर के चलते आरोपी प्रेमी और पोती ने वृद्ध महिला को धारदार हथियार से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। गंभीरता से लेते हुए उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सारी टीमें लगाई गई और टीमों ने हमारी बड़ी मेहनत करके अभी आप देखेंगे 48 घंटे के अंदर इस पूरी घटना का सफल खुलासा किया है। जो दो इसमें अभियुक्त आए हैं प्रकाश में, उनको गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। हत्या के पीछे जो वजह आई है, जो ये मृतका है उसने अपनी स्वयं की पोती को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और वो बातें आगे न बताए, इसके लिए उसने उसकी गला काटकर हत्या कर दी ताकि उनकी बदनामी न हो। दोनों जो घटना में संलिप्त अभियुक्त थे अरेस्ट कर लिया गया है और उनके विधि कार्रवाई की जा रही है। सर, प्रेम प्रश्न की बात। हमीरपुर में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि महिला का पड़ोसी युवक उसको 12 दिन पहले अपने साथ ले गया था, तभी से महिला लापता थी और जिसकी पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर खोज भी शुरू कर दी थी, और आज महिला का शव गांव के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक ने ही हत्या कर शव को खेत में छोड़ा और वहां से फरार हो गया। हालांकि अब तक पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, साथ ही आगे की कार्रवाई में भी अब पुलिस जुट गई है।
चलो हमें बेरी जाना है काटने, तो हमें रोड तक छोड़ा, तो हम आए तो ये प्रकाश चंद्र बार मोटरसाइकिल लिए खड़ा था, तो वहीं से पीछे पीछे हमारे आया, फोन से किसी से बात कर रहा था। हम फिर यहाँ आगे आए तो बजरंग बली के स्थान है, तो वहाँ से आगे कह रहा था कि चलो हम तुम्हें छोड़ देंगे वहीं बेरी। मम्मी बैठ कर चली गई, नहीं बैठ रही थी मम्मी, तो जबरदस्ती कह रहा था चलो हम वहीं छोड़ देंगे तुम्हें। हाँ, एक यहाँ आई थी, मतलब ये बेरी में यहाँ एक बहनिया उड़ रहती है, इनकी दोनों की तैयारी थी। एक पड़ोड़ी कब निकली थी घर से? 4 तारीख को। कहाँ जा रही थी? ये जा रही थी बेरी। बेरी से फिर वहाँ जाना था इनको, पड़ोड़ी वहाँ जाना था। पैदल जा रही थी? नहीं, मोटरसाइकिल में, तो मतलब साधन से आ रही थी। टेम्पू से तो एक मोटरसाइकिल वाला वहीं बाजू वाला मिल गया, तो बच्चे से यही किया कि बैठा कि चार हमें ससुर लगे छोड़ दूंगा, तो कह रही मैं नहीं जा रही। पर एक बॉडी निकली, सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, तो जांच में पाया गया कि सब लगभग 10 से 12 दिन पुराना था। जानवरों ने उसको खा लिया था, तो कंकाल बच्चा था, जिसकी शनाख्त के प्रयास किए गए। शनाख्त में पता चला कि जो ये कंकाल है वो श्रीमती सुमन पत्नी स्वर्गीय धर्मवीर का है, इनकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। अपराध पर लगाम लगाने और किसी भी तरह की असुविधा से निपटने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने एलिवेटेड कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि आज वसुंधरा चौकी पर कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया गया, जिसके जरिए अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। ये उद्घाटन डीसीपी नगर और डीसीपी ट्रांस हिंडन ने किया है। इस मौके पर डीसीपी नगर निपुण अग्रवाल ने बताया कि एलिवेटेड रोड पर कुल 45 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसके जरिए रील्स बनाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, गाजियाबाद में जो एलिवेटेड रोड है, इस पे अक्सर रील्स और स्टंट्स करते हुए लोग बाग दिखाई देते थे, जो कि ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन भी करते थे। ये बहुत ही सेंसेशनलाइज हो जाती थी वीडियो, जिस पे हम लोग को त्वरित कार्रवाई करनी होती थी। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा फंड का शॉर्टेज था, तो हम लोगों ने पीपीपी मोड में हम लोगों ने यहाँ के गाजियाबाद के उद्यमी हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करा, और सभी उद्यमियों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करके हम लोग 10 लाख से ज़्यादा हम लोग को फंड दिया यहाँ पे, जिसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 45 से ज़्यादा कैमरे लगवाए हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से जो क्राइम का प्रिवेंशन है वो हो पाएगा। अगर कोई इस तरह से ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करता है तो उनको हम रियल टाइम में यहाँ पर मॉनिटरिंग होगी, और यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन IP बेस्ड इंफ्रारेड कैमरे लगाए गए हैं। कोई भी इस तरह की गतिविधि करेगा तो तुरंत ही उनको हमको अप्रिहेंड करके उन पर कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। गाजियाबाद में मासूम बच्चे के साथ हैवानियत करने वाले को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। ये सजा 6 महीने से भी कम समय में सुनाई है। घटना 18 अगस्त 2022 की है, जब मोदी नगर थाना क्षेत्र में युवक दो बच्चियों को अपनी साइकिल पर ले जाता है। एक छोटी बच्ची को, उसकी उम्र जिसकी 6 वर्ष थी, उसको थप्पड़ मारकर बेहोश कर देता है, और 9 वर्ष की बच्ची के साथ ही ईक के खेत में रेप करता है, और उसे शक होने पर कि ये लोगों को बता देगी उसकी हत्या कर देता है। आज कोर्ट ने 5 महीने और 29 दिन में कपिल कश्यप को फांसी की सजा सुनाई है। थाना मोदी नगर के अंतर्गत एक घटना घटित होती है दिनांक 18/8/2022 को, तो उसमें क्या था, और समय करीबन 6:30 से 7 बजे के करीब में शाम के, तो उसमें क्या था कि एक बच्ची जिसकी उम्र 9 वर्ष और एक दूसरी बच्ची उसी की ममेरी बहन जिसकी उम्र 6 वर्ष, जो कि अपने पड़ोस में, मतलब पड़ोस के चबूतरे पे खेल रही थी, तो उन्हें खेलते हुई को जो अभियुक्त है कपिल, जो इन्हीं के पड़ोस में रहता है कपिल कश्यप, इसने क्या किया, उन दोनों को एक ब्लैक कलर की, मतलब काले रंग की साइकिल पर बैठाकर वो उन्हें जंगल की तरफ ले गया। जो है कपिल नाम का एक वीर लड़का था, वो जो घर के पास बच्चियां खेल रही थी, वहां से उन्हें आइसक्रीम के बहाने बैठा कर ले गया, और कह लगा मैं पहले इन्हें घुमा लाऊं फिर तुम्हें घुमा के लाऊंगा, और ले जाके उन्होंने जो है ईख में दोनों बच्चियों को, एक बच्ची को उन्होंने रैपट मार के उसे बेहोश कर दिया, और जो दूसरी बच्ची थी उसको जो है उन्होंने उसकी गाल बहुत तंदरी। मानते हैं कि महिला संबंधी अपराधों में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत में माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के दिशा निर्देशों के तहत थाना मोदी नगर की पुलिस के द्वारा काफ़ी तेजी से विवेचना की गई थी, जिसमें 7 दिन के अंतर्गत चार्जशीट लगाई गई थी, और फिर उसके बाद इफेक्टिव पैरवी करते हुए लगभग 5 महीने 28 दिन के अंतर्गत में इसमें सजा कराई गई है, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त कपिल पुत्र मोहन, जो कि डोरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसको 376 AB, 302 IPC और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमे में।
वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, बलात्कार के आरोपी को 6 महीने से भी कम के समय में सजा सुनाई गई है, तो ऐसे में लोगों ने किस तरीके से इस फैसले का स्वागत किया है और कितना विश्वास बढ़ा है लोगों का कानून व्यवस्था पर? देखिए बिल्कुल, देखिए गाजियाबाद के मोदी नगर में ये लगभग 6 महीने पहले की घटना हुई थी, जहां पर जो एक 6 वर्ष की बेटी थी, लड़की जो जिसको थप्पड़ मारकर विरोध कर दिया गया था, हालांकि जो 9 वर्ष की लड़की थी उसको खेत ईंट के खेत में ले जाकर उसके बाद रेप किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो गाजियाबाद पुलिस के ऊपर जिस तरह से लोगों को विश्वास हो गया है कि जिस तरह से उनकी जो कार्रवाई की गई, जिस तरह से साक्ष्य जुटाए गए, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट पेश किए गए अदालत के सामने, कहीं ना कहीं जो वकील हैं उन्होंने भरपूर इसका सहयोग भी किया, खासतौर पर क्योंकि रेप के जो आरोपी हैं, हालांकि कई मामले बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार गाजियाबाद में बहुत जल्द ही इस तरीके का फैसला नजर आया है, जिसमें कि जो आरोपी है उसको लगभग ये समझ लीजिए कपिल कश्यप जिसका नाम है, उसको फांसी की सजा सुना दी गई है अदालत की तरफ से। लेकिन ये बात बहुत बड़ी होगी क्योंकि जिस तरह से 6 महीने के बाद ये बड़ा फैसला जो आया है, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे ही परिवार में इस तरह की राहत की खबर मिलने को मिल रही है, और साथ ही साथ जो गाजियाबाद वासी हैं वो भी खासा खुश नजर आ रहे हैं इस फैसले को लेकर। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रवीण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर गाजीपुर से है, जहां शहर में बनाए जा रहे सीवरेज सिस्टम के कार्य की स्थलीय जांच की जा रही है। डीएम के निर्देश पर जांच कमेटी ने कई स्थानों पर सीवरेज सिस्टम के कार्य की जांच की है। जांच टीम ने शहर के कई इलाकों में सड़क खोदकर सीवरेज सिस्टम के कार्य की तकनीकी जांच की और जांच के दौरान सीवरेज सिस्टम के कार्य में खामियां भी मिली है। वही गाजीपुर शहर में 200 करोड़ की लागत से जो सीवरेज सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे शहर में सीवर पाइप लाइनों का जाल बिछाया जा रहा है, जल निगम की ओर से शहर में सीवरेज सिस्टम का कार्य कराया जा रहा है। सीवरेज सिस्टम के निर्माण कार्य में लगातार शिकायतें मिल रही थी और सीवरेज सिस्टम के कार्य में मानकों की अनदेखी और गुणवत्ता विहीन काम कराए जाने की शिकायत पर बीजेपी एमएलसी विशाल सिंह ने डीएम को मामले की जांच के लिए पत्र लिखा था, जिस पर डीएम ने एसडीएम सदर की अगुवाई में जांच कमेटी बनाकर कार्यों की भौतिक और तकनीकी जांच का आदेश दिया। जनता की काफी शिकायतें आ रही थी कि जहां जहां ये पाइप डालने का काम हो रहा है वहाँ सड़कें धस रही हैं, पाइप भी सही मानक के अनुसार नहीं पड़े हैं। उसी शिकायत के क्रम में मैंने एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को दिया था, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें एसडीएम सदर और विभागीय अधिकारी थे। उसी के क्रम में आज जांच का पहला दिन है और आप सब देख रहे हैं अभी 2 जगह जाँच हुई है, अभी 2-3 जगह जाँच और होनी है, तो इसके अलावा विस्तार में मुझे लगता है कि थोड़ी जाँच प्रक्रिया और बढ़ जाए तो ठीक से हम लोग इस पे बता पाएंगे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी में उपजिलाधिकारी सदर तथा एक्सिन CD1 और PWD के AE थे, तो उसके क्रम में आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और माननीय जनप्रतिनिधि महोदय के अध्यक्षता में यह जांच हुई है और अभी भी आगे 2-3 स्पॉट पर हमें और जाँच करनी है, तो डिटेल में जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कहने। फिरोजाबाद में एक बिल्डर के द्वारा बस स्टैंड की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। बिल्डर के पास ना तो कोई नक्शा था और ना ही जमीन के अन्य कागज, ये जानकारी जब प्रशासन को लगी तो तत्काल मौके पर भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम प्रभारी सचिव मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिल्डर को बुलवाकर कड़ी चेतावनी दी और कहा अगर आपके खिलाफ कोई दोषी प्रकरण पाया गया तो विभागीय कार्रवाई जरूर की जाएगी और हिदायत देकर बिल्डर को जाने दिया। खुद की जमीन पर प्लॉटिंग की आपने? हाँ। है जो है चूँकि एक किशन पीर द्वारा जो है जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके द्वारा जो है निर्माण कराया मतलब कराया जा रहा था, प्लॉटिंग की जा रही थी और ये बिना अनुमति के बिना नक्शा पास कराए ये कार्य किया जा रहा था। इनको नोटिस अनुस्मारक और कारण बताओ नोटिस देने के बाद फिर ये गिरानी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि नक्शा पास नहीं था और यहाँ पे बस स्टैंड के लिए जो है अड्डे के लिए जो सुरक्षित है। ठीक है, खबर लखनऊ से है, जहां जानकीपुरम स्थित मड़ियाव में प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने सरकारी उचित दर दुकान में अन्नपूर्ति ATM मल्टीग्रेन मशीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्ड लाभार्थियों को सुलभता से ऑटोमेटिक व्यवस्था द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है, इससे लाभार्थियों को आसानी से खाद्यान्न प्राप्त हो सकेगा। वही मंत्री सतीश शर्मा ने
प्राइम टीवी को जानकारी देते हुए कहा कि ये प्रदेश सरकार की अनूठी पहल है जिससे शत प्रतिशत पारदर्शी वितरण हो सकेगा। इस मशीन से अंगूठा लगाकर तौल हो सकेगी और घटतौली की संभावना भी बिल्कुल नहीं रहेगी। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में खाद्य रसद विभाग तमाम ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परिवर्तनों का साक्षी विगत 6 वर्ष में बना। निरंतर 80,000 राशन डीलरों के माध्यम से 3.5 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को हम राशन वितरण करने का काम कर रहे हैं, जिसके क्रम में आज लखनऊ राजधानी में राशन ATM मशीन लगाकर कार्ड धारकों को पूरी मात्रा में राशन मिले और उनको जो है व्यवस्थित ढंग से राशन मिले, इसके लिए एक यहाँ पर राशन मशीन का आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। और ये निश्चित ही मैं कह सकता हूँ कि ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन इस राशन वितरण के क्षेत्र में ये है। सर, अभी ये कितने राशन की जो मशीन लगाए गए हैं प्रदेश में, कितनी जगह लगाए गए हैं अभी और कितनी जगह लगाए जाएंगे? अभी तक पूरे देश में अभी तक 7 राशन की मशीनें लगी हैं, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश में 3 राशन ATM का अभी तक हम लोगों ने शुभारंभ किया। कहाँ कहाँ पे लगाया गया सर? अभी बनारस, लखनऊ, गोरखपुर में अभी राशन मशीनों का हमने शुभारंभ किया है। आने वाले समय में धीरे धीरे इसको क्रमिक रूप से हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। इससे सर बड़ा फायदा देखिए ये है, अभी तक जो शिकायत मिलती थी कि भाई घटतौली होती है, यानी कि यूनिट के सब पे राशन हमें कम मिलता है, तो चूंकि इसमें जो यूनिट चल रही है जितना राशन आपका है वो ऑटोमेटिक मशीन ई पॉस मशीन NIC से आपस में लिंक है और सीधा उतना ही राशन यहाँ से गिर जाएगा, तौल के पूरा मात्रा में गिर जाएगा। इस तरह से जो मशीन है ना, एक तरह से वेइंग मशीन है, तौलने की मशीन है, इसके साथ स्टोरेज भी है, यानी कि इसमें खाद्यान्न भी है और तौलती भी है। अभी इसके पहले हमारे दुकानों में केवल तौलने मशीन रहती थी, तो लोग कहते थे भाई कम दे रहा है, तो इसमें ऑलरेडी खाद्यान्न है और जितना हमारा यूनिट होगा उतना ही निकलेगा। ये लखनऊ में लगभग कितनी जगह है मशीन? नहीं, लखनऊ में इसका शुभारंभ हो रहा है, अभी प्रदेश में मात्र ये हमारी दूसरी मशीन है। इसके पहले अभी लखनऊ में इसका उद्घाटन बनारस में हुआ है, अभी लखनऊ में है, इसके बाद अगला इसका उद्घाटन गोरखपुर में होने वाला है और उसके आगे चल के अभी लगता है 1-2 महीने के अंदर 10 और नई मशीनें आ रही हैं, जिनका चयन किस जिले में होगा उनका हम लोग चयन करेंगे। हाँ, इसका नाम है ग्रेन ATM। तो ग्रेन का मतलब समझिए ATM से हम लोग पैसा लगा, वहाँ हम लोग अपना डालते हैं, अपना हमको 2000 चाहिए 2000 निकलता है, उस तरह ये भी ATM की तरह काम करता है। बस इसमें अंतर ये कि इसमें ग्रेन खाद्यान्न भरा हुआ है, इसलिए इसको ग्रेन ATM कहा जाता है। जानकीपुरम में है, मणियाओं गांव में स्थित, और यह अन्नपूर्ति मशीन का उद्घाटन किया जा रहा है आज, जिससे कि प्रॉपर राशन तौल के कार्डधारक को प्रदान किया जा रहा है। तो अभी तक जो समस्याएं आती थी वो कार्डधारक कहते थे कोई किसी को गेहूँ चाहिए, किसी को चावल चाहिए, तो उसको लेकर के जो समस्याएं अक्सर कोटेदार को झेलने पड़ती थी, क्या अब इससे दूर हो पाएंगे? इससे दोनों ही चीज़ें देनी पड़ेंगी, यानी इसमें मनमाना ढंग से नहीं चल पाएगा, इसमें मनमाने ढंग से कुछ भी नहीं चल। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।